तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास में VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। VVA इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक चीज गौर कर लीजिए, ये आपकी VV6 या VV स्टूडियो नहीं है, राइट। यस सर। VV6 VV स्टूडियो क्या होता है कि वो आपके लिए एक नया एप्लीकेशन तैयार करता है। सो ए प्रोग्रामिंग कुछ मिलती जुलती तो है, बट ए वीवीए जो है VV6 और VV स्टूडियो नहीं है। VVA जो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है, मतलब हम VVA की मदद से एमएस ऑफिस के अंदर नए टूल्स को डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी एमएस ऑफिस जो कि सिर्फ एक्सेल ही नहीं, पावर पॉइंट नहीं, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वर्ड, सब में हमारा VVA वर्क करता है। बट कुछ प्रोग्रामिंग बाकियों में चेंज हो जाता है, एक ही प्रोग्रामिंग सब में नहीं चलता, लेकिन कुछ कंपोनेंट है जो कि सब में चलते हैं। सबसे यस पहले हम सर। जानते हैं कि VVA से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, VVA अगर फैक्ट्री है तो उसके मेन तीन प्रोडक्ट है। पहला है मैक्रोज, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है यूजर फॉर्म, राइट। ओके वन सर। बाय वन चलते बात करते। सबसे पहले मैक्रोज की बात करते। तो मैक्रोज को पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि कुछ लोगों को मानना है जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जो रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड मैक्रो को मैक्रो कहा जाता है, जिसको हम विजुअल बेसिक पे कोड करते हैं उसको वीवीए कहा जाता है। अब इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, चाहे आप खुद से कोडिंग करें या रिकॉर्डिंग करें, क्रिएट मैक्रो ही होता है। तो रिकॉर्ड मैक्रो क्या है? जब मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते समय अगर आप कुछ माउस इवेंट करते हैं या सिस्टम इवेंट करते हैं, वो सिस्टम इवेंट को कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अभी मैंने F1 पे क्लिक करके एक्सेल लिखा है, अब माइक्रो लिस्ट में जाके आप माइक्रोज को देखोगे तो आपको एडिट में यहाँ पे दिखेगा कि F1.select और यहाँ पे हमने एक्सेल टाइप किया। अगर हम खुद की प्रोग्रामिंग करते, से देखिए खुद की प्रोग्रामिंग ऊपर की हुई है, ये भी कुछ इसी तरह का लैंग्वेज यूज करता है। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो एक ऐसी टूल्स है जो कि आपके बिहाफ पे खुद प्रोग्रामिंग कर देती है, लेकिन क्रिएट वो माइक्रो ही करती है। आप भी प्रोग्रामिंग करें तो क्रिएट क्या करेंगे? माइक्रो करेंगे। मैक्रो वो भी प्रोग्रामिंग करेगा तो क्रिएट माइक्रो ही करेगा। तो ये माइक्रो जो होता क्या है? देखिए, माइक्रो जो होता है एक ऑटो पायलट है, ठीक है। यस सर। जैसे कि प्लेन जो है ऑटोमेटिकली फ्लाई होती है बिना पायलट के, उसी तरह से आप अपनी रिपोर्ट को खुद बना सकते हो, मैं खुद ब खुद सिस्टम बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक सामने एक डेटा आपको दिख रहा है, तो मुझे करना क्या होता था कि फिल्टर लगाना होता था, और फिर मैं यहां से, इसे नॉर्थ है तो मैं यहां से नॉर्थ को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। नॉर्थ को सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको सेव एज PDF करूंगा। क्या करूंगा? सेव एज पीडीएफ PDF, राइट। और ऐसे बाकियों को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे लिस्ट इसमें हो सकती है कि लंबी हो। और करने के बाद मेरा एक ड्राइव है, ई एफ ड्राइव है, एफ ड्राइव के अंदर डेटा में इस तरह से शेप होता था, राइट। ठीक है। अब मैंने क्या किया? प्रोग्रामिंग कर दी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने जाना है माइक्रो पे, जाना है अपने माइक्रो को जस्ट रन करना है। रन करते ही ये जो काम है, जो जिसमें अभी हो सकता है, अभी तो चार है मान लीजिए या पांच है, हो सकता है यहाँ पे 500 या 1000 या 1500 भी हो सकता है। तो उस काम को कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में इसने कर दिया। दिख रहा है? खुद ब खुद हो रहा है काम। यस सर। और आप देखेंगे, मैंने फाइल को डिलीट कर दिया था, वापस इसने क्रिएट कर दिया। इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसको, इसमें जो है डेटा आ गया। यस सर। तो माइक्रो जो होता है कि ऑटो पायलट की तरफ वर्क करता है, कि आपका काम वो ऑटोमेटिकली कर दे। और वीवी लैंग्वेज है जिसकी मदद से माइक्रोस लिखी जाती है, क्लियर है। क्लियर सर। और यहां पे क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास रिकॉर्डिंग माइक्रो है, तो खुद ब खुद माइक्रो मेरे बिहाफ पे क्रिएट कर देता है,
फिर मैं माइक्रो क्रिएट क्यों करूं, मैंने कोड क्यों करूं, क्यों सीखूं मैं प्रोग्रामिंग को? क्या सर? यस सर। तो उसका जवाब ये है कि जो माइक्रोज है वो आपका लिमिटेड वर्क करता है, वो आपका डायनेमिक नहीं होगा, रिपीटेशंस नहीं करेंगे, कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा, लूप्स नहीं लगाएगा, कनेक्टिविटी नहीं करेगा, तो बहुत सारे खामियां हैं। इन शॉर्ट मैं कह दूं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो प्रोग्रामिंग सीखना ही होगा। माइक्रो के बाद जो अगला फीचर आता है वो आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है इसकी मदद से हम फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे कि वी लुक अप एच लुक अप जो फॉर्मूले है ना, ऐसे फॉर्मूले आप खुद के अपने फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो कि काफी ज्यादा टाइम लगा रही है, तो आप खुद ब खुद ऐसी कैलकुलेशन वाली माइक्रोज फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले जो हम क्रिएट करते हैं वो एक्सेल को भी सपोर्ट करते हैं, साथ में हमारे माइक्रोज को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है सर? ठीक है सर। फंक्शन के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म जो होता है वो इंटरफेस होता है, पॉपअप, जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया जो पॉपअप आया ना पॉपअप, या आप इंसर्ट पिवट पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है, ये जो पॉपअप है फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है। इस तरह की जो पॉपअप है उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं यूजर फॉर्म को। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट को ऑटोमेट किया है और रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए आप 20 माइक्रो का यूज किए हुए हैं, अब 20 माइक्रो को सिक्वेंसली रन करना है, समझे? तो यूजर फॉर्म में वो चीज को प्रोसेस होगा वन बाय वन। जैसे मान लीजिए कि डेटा है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट किस महीने की बनानी है, अच्छा कौन सा रीजन का बनाना है, कौन से प्रोडक्ट का बनाया है, कौन से सेल्स सेल्स एसओपीज बनाना है या ओवरऑल बनाना है, ये सारे इनपुट्स जो है हम यूजर फॉर्म से लेंगे और उस इनपुट्स के बिहाफ पे आपका आउटपुट दे देगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है सर? यस सर। यस सर। तो ये चीज हमारा यूजर फॉर्म सपोर्ट करता है। अब इसको सीखने के लिए दो तीन चीजें चाहिए। अगर आप वीवीए सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले चाहिए कि आपको एक्सेल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब एक्सेल पे अच्छी कमांड क्यों होनी चाहिए, चलिए एक बताते हैं आपको। आप लोग डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं ना? बिल्कुल। अब पता है कंट्रोल ए मेनू बार में कौन सा फीचर है? देखिए अगर वीवी के थ्रू मुझे अगर सिलेक्ट ऑल करना हो तो मैं थोड़ी लिखूंगा कि प्रेस कंट्रोल ए, हमें कॉपी करना होता है तो हम रेंज a1.copy लिखते हैं, पेस्ट करना होता है तो रेंज activity.paste करते हैं, पेस्ट स्पेशल के लिए भी सेम कोड लिखते हैं ना, हम उसका शॉर्टकट तो नहीं लिखते ना? नहीं नहीं। तो इसका शॉर्टकट क्या है पता आपको? इसका मेनू फंक्शन नेम क्या है पता आपको सर? सिलेक्ट का वो होगा क्या? पता है तुक्का लगा रहे हैं? नहीं नहीं एग्जैक्टली तो हम कंट्रोल ए से ही करते हैं बेसिकली। हाँ वही चीज होता है, तो वही सेम प्रॉब्लम होती है कि आप पता ही नहीं तो वीवी में कोड कहाँ से याद रखोगे आप। ये होता है अब यहाँ पे गो टू स्पेशल करेंट रीजन दिख रहा है सर? तो हम वीवीए में लिखेंगे कि रेंज a1.currentRegion.select। इसलिए एक्सेल की कमांड अच्छी आनी चाहिए, कहने का मतलब यह है कि आपको एक्सेल की जो कमांड है वो ठीक ठाक आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके। अब बात आती है दूसरी कि आपके पास जो दूसरा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीए सीखना है तो आपके पास प्रैक्टिस का कम से कम 2 घंटे 1.5-2 घंटे का टाइम होना चाहिए। आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है,
तो आप एक्सेल पे सीखने पे अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करो, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। सो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए, उसके बाद आगे आपको बढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा। शुरुआत में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी आपको। तो excel-vva.com दिख रहा है सर? यस सर। इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, राइट? ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग यूज होती है, राइट? अब प्रोग्रामिंग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो दो तीन चीजें आपको मतलब सिस्टम में करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। ठीक है, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो कहां से लाओगे? वो फाइल में ऑप्शन और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में आपको डेवलपर दिखेगा। 2007 यूज करते हो तो जनरल में ही दिख जाएगा आपको। उसके बाद आपको जो है जो विजुअल बेसिक दिख रहा है अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद आपके सिस्टम में ही होता है, इनबिल्ट होता है एक्सेल में। इसमें आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी को अनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट माय सिक्योरिटी जो है वीवी डिसेबल होता है। तो डिसेबल विथ नोटिफिकेशन से क्या होता है कि जैसे ही कोई मैक्रो फाइल आप ओपन करेंगे ना, आपसे पूछेगा डू वांट टू अनेबल मैक्रो, सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा। तो आपके बहुत सारे जो मैक्रोज है डायरेक्टली नहीं चलेंगे जब तक कि आप अनेबल नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। अनेबल करने के बाद जो ये जो कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए अनेबल आप करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंजरस कोड कैन रन, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैक्रो को रन करना है, कौन से मैक्रो को रन नहीं करना है। तो आपके पास कोई मेल आती है, मेल पे कोई फाइल है, तो आप क्या करोगे उस फाइल को रन करने से पहले सेव कर लें, कहीं चेक करें कि मैक्रो मैक्रो इसमें मैक्रो तो नहीं है। अगर अननोन पर्सन ने आपको भेजा है और उसके अंदर मैक्रो है तो आप उसको रन ना करें। तो कैसे पता चलेगा कि मैक्रो है? देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है ना सर? अब इसमें आपके पास अगर इस तरह की फाइल आती है, इस तरह का आइकन है ना, तो नॉर्मल आइकन आपका डॉट xlsx है, मतलब कि इसमें मैक्रो नहीं है, सिर्फ डेटा फाइल है, क्योंकि ये जो सिस्टम ये जो फॉर्मेट है वो मैक्रो को कैरी ही नहीं करता है। ओके। दूसरा है कि अगर इस तरह का बना, ये तो आपका csv है, ये भी मैक्रो कैरी नहीं करता है। अगर इस तरह का फाइल आता है जिसपे ये आपका ये एक्सप्रेशन मार्क है इस फॉर्मेट में, तो इसमें जो है ये माइक्रो अनेबल वर्कबुक है, मतलब कि इसमें माइक्रो हो सकता है, बट 100% श्योर नहीं है कि माइक्रो ही होगा, बट ये माइक्रो को कैरी करता है, ये माइक्रो भी रख सकता है। तो इसके डेटा में आपका एक्सेल और माइक्रो दोनों हो सकता है, ठीक है? डेटा भी हो सकती है और माइक्रो भी हो सकता है, लेकिन जो ए फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना सर? यस सर। 100% माइक्रो होगा, क्योंकि एड इन फाइल है जो सिर्फ कोड को स्टोर करती है, डेटा स्टोर नहीं करती, इसके अंदर डेटा हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपने इस तरह की कोई फाइल भेजा तो ये आपका 50-50 चांस है माइक्रो होगा, बट अगर किसी ने इस तरह के डेटा भेजा तो 100% आपका किसी ने माइक्रो ही भेजा है। तो ओपन करने से पहले थोड़ा सा देख ले कि मेल ट्रस्टेड पीपल ने भेजा है या किसी और ने भेजा है, अननोन पर्सन ने, ठीक है? क्लियर है? क्लियर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल को पढ़ ले, फिर